हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुमर परमाराध्यतम गुरुदेव उन विष्टपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्टपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहित कृपा भिक्षा करुछि। आम मैंने श्रवण करुचे धारावाहिक भाव भक्ति सम्बन्धे आज आम श्रवण करवा भक्त ध्रुव कारण ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति उत्तम भक्ति जहाँकि अन्याभिलाष रु मुक्त हो ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत प्रतिकूल भाव रहित काय मन वाक्य चेष्टा द्वारा भगवान कर अनुशीलन भगवान कर प्रसन्नता विधान करिवा जो भक्ति ए भक्ति को बुझा कले आमको श्रीमद् भागवतम रे जो उपाख्यान दिया जाय छी श्रीमद् भागवत महापुराण रे जो सु उपाख्यान माध्यम रे बुझा जाय छी हम ताको अनुशीलन करिवा ए पर्याय रे आज आमे श्रवण करिवा भक्त ध्रुव एवं तांकर भक्ति ए भक्त ध्रुव जड़े महान भक्त थिले मात्र 5 वर्ष बयसर आयुरे तांकर भक्ति द्वारा भगवान कर दर्शन लाभ करथिले भगवान नारायण कर साक्षात दर्शन लाभ करथिले
भगवान का दर्शन एत साधारण नुहे, अत्यंत दुर्लभ। तेणी भक्त ध्रुव केमिति भगवान दर्शन लाभ कले एवं तांकर भक्ति केमिति थिला से सम्बन्धे आज आम श्रवण करिबा। सत्ययुगरे सारा विश्वर सम्राट थिले, पृथ्वीर सम्राट थिले उत्तानपाद। ए महाराज उत्तानपादंकर दुई जन राणी थिले, जन थिले सुरुचि आउ जन थिले सुनीति। ए सुनीति थिले बड़ राणी एवं सान राणी थिले सुरुचि। तो जदि जनकर दुई जन पत्नी रहंती केते द्वंद उपस्थित हुए, केते कलह उपस्थित हुए, इटा साधारण भाव रे। बहुत कम जगार एमती मिले जे से उभय पत्नी मिलमिशी सेवा करछंती, इटा होची ए जगतर व्यापार। ए महाराज उत्तान पादंकर जो राणी थिले सुनीति आउ ए सुरुचि, इनको भीतर किसी वैशिष्ट थिला। ए सुनीति सुनीति तांकर नाम जिमिति, तांकर गुण मध्य सीमित थिला। से सुंदर नीति परायण थिले, अर्थात सब प्रकार धर्म नीति को जीवन रे अंगीकार करी ताको अनुशीलन करुथिले एवं भक्तिमती थिले, भक्ति परायण थिले, भगवान कर सेवा आराधना रे मग्न थिले। अब तांकर पुत्र थिले ध्रुव, आ सुरुचि जो राणी थिले तांकर नाम जिमिति तांकर गुण सीमित थिला। से सुंदर रुचि परायणा, अर्थात विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर वस्तु को उपभोग करिबा एवं जगत रे सांसारिक विभिन्न प्रकार सुख प्राप्त करने को सब समय रुचि रखुथिबा एवं ए जड़िया सुख बहुत ही सुख विलास रे जीवन को अतिवाहित करुथिले एवं तांकर गुण सीमित थिला। तांकर पुत्र थिला किए ना उत्तम, किंतु महाराज उत्तान पाद महाराणी सुरुचिंकर बसरे अधिक थिले। सुरुचि तांकर सेवा तांकर रूप गुण माध्यम रे महाराज उत्तान पादंकु निज अधीन रे निज बसरे सब समय रखुथिले। एबले समय आसला दिने जो समय रे महाराज उत्तान पाद महाराणी सुनिचि महाराणी सुरुचिंकर राजप्रसाद रे उपस्थित अछंती एवं से समय रे ध्रुव जे कि पांच वर्षर बालक सी आसिक उपस्थित हला एवं बापांकर कोलर बसिया को जिद कला। छोट बालकंकर स्वभाव से पितांकर स्नेह प्राप्ति करिया पाई बापांकर गेला पाया पाई स्नेह पाया पाई से तां कोल को उठिया को चेष्टा कला। से समय रे महाराणी सुरुचि उपस्थित थिले, ध्रुव को सेठु हटाई देले, कले ध्रुव तोर एत बड़ अधिकार नहीं तु सम्राटंकर कोल रे बसिया पाई, तु जा भगवान कर आराधना कर, भगवान कर उपासना कर, तपस्या आचरण कर, यदि भगवान चाहिबे तेबे तु मो गर्भरु जन्म लाभ करिवु एवं तते ए अधिकार प्राप्त हो। जेपन तु मो गर्भरु मोर संतान रूपरे जन्मलाभ न करिचु से पर्यंत तोर ए अधिकार नहीं, तो जे तु बापा कोलरे बस पारिवु। एवं कटु वाक्य द्वारा तांकर अपमान कले, यद्यपि ध्रुव बालक थिला पांच वर्षर तथापि क्षेत्रीय स्वभाव एवं तांको बहुत बड़ा अपमान लागिथिला। एवं सुरुचिंकर वाक्य यदि भगवान चाहिबे मो गर्भरु जन्म हेले तेबे तू अधिकार प्राप्त करिबु, पितांको कोळ को तू बस पारिबु।
ତେବେ ଅପମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ତାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଯେପରି ଗୋଟେ ସାପକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଠି ମାରିବା, ଏ ସାପ ଫଣା ଉଠେଇ କ୍ରୋଧରେ ଶୁଁ ଶୁଁ କରିବ, ଗର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଦେଖାଇବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧର ସଙ୍କେତ ଦେବ। ସେହିଭଳି ଧ୍ରୁବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଡ଼ ବାଧା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଧ୍ରୁବ ବଡ଼ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ନିଜ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସୁନୀତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବିମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଟୁ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସୁନୀତି ବଡ଼ ନୀତିପରାୟଣ, ଭକ୍ତିମତୀ, ତ ସୁନୀତି ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଦେଖ ଧ୍ରୁବ, କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଆଚରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ମଗ୍ନ ହୁଅ, ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ହରିଙ୍କର ଉପାସନା କର, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁକିଛି ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିମାନ, ଏ ଅପମାନକୁ ଭୁଲି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ବ୍ରତ ହୁଅ। ଏହିଭଳି ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସତ୍ ମାତା, କିଏ ହେଲେ ନା ସୁନୀତି। ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି ମିଳିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବି ତେବେ ତାଙ୍କଠୁ ମୋର ଅଧିକାର ମାଗିବି। ଧ୍ରୁବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମାତା ସୁନୀତି ବୁଝେଇଦେଲେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଗିରିକନ୍ଦରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାଇ କଠୋର ତପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମାତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ, ବୈଭବ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବି ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଜଗତର ସିଏ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମାଲିକ ସିଏ, ସେ ବାସ୍ତବିକ ସାରା ସଂସାରର ସିଏ ହିଁ ମାଲିକ, ସିଏ ହିଁ ସମ୍ରାଟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଧ୍ରୁବ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଟଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏହିଭଳି ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକ ଏତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ, ତା ନାମ ହେଲା ଧ୍ରୁବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ବଣକୁ ଚାଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନାରଦ ମୁନି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବିନା ଗୁରୁରେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃପାର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହନ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦରେ ଏ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ କୃପା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ
दीक्षा माध्यमरे कृपा शक्ति संचार करी आमर दिव्य ज्ञान रूपक चक्षु को सी खोली दियंती उन्मीलन करती जद्वारा आम भगवान को दर्शन कर लाभ करी नचे निज चेष्टा द्वारा आरोहवाद द्वारा अनेक जन्म चेष्टा कले भी भगवान को दर्शन हवा बड़ कठिन से श्री नारद मुनि जे प्रभुंकर प्रिय भक्त गुरु ही आसी उपस्थित हेले ध्रुवंकर मार्गरे ध्रुव को अटकैले हे ध्रुव तमे अत्यंत छोट शिशु बालक ए समय तमर घरे रहया कथा मातंग पितांकर मातंकर स्नेह प्राप्त करिया कथा एवं तमे ए समय रे क्वड जाउछो नमो भगवान नारायण को प्राप्त करिवि तांकु दर्शन करिवि तांकु मोर अधिकार प्राप्त करिवि। नारद मुनि बुझेले देख ध्रुव मु जाई तुम पितांकु बुझे देवी एवं मो आदेश देवी से तुमको ग्रहण करिवे। जे समय नारद मुनि ध्रुव को अटकैले तांकर मार्ग रुद्ध कले कारण ध्रुव जो संकल्प वर्तमान नहीं चंती जे भगवान नारायण को दर्शन करिवे तांकु प्राप्त करिवे ये बड़ कठोर मार्ग से नारद मुनि प्रथम ध्रुव कहिले चल मु तुमर पिता को आदेश देवी से मोर आज्ञा पालन करिवे तुमको से ग्रहण करिवे तुमको तुमर अधिकार देवे मु जहा आदेश देवी से करिवे। ध्रुव कहले ना मु प्रभु नारायण को भगवान को दर्शन करिया को चाहे भगवान ठू अधिकार प्राप्त करिया को चाहे आपण जदि मते सहायता करि परिवे तो करंतु नचेत मते मो मार्ग छाड़ी दियंतु मो संकल्प सहित मते छाड़ी दियंतु। नारद मुनि बुझीगले ध्रुव दृढ़ संकल्प यद्यपि नारद मुनि तांको बुझेले हे ध्रुव भगवान नारायण को प्राप्त करिवा एते सहज नुहे बड़ बड़ ऋषि मुनि माने हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष तपस्या करी सब प्रकार यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान सब प्रकार अभ्यास करी भी भगवान नारायण को प्राप्त करी पारी नहांती इत्ते सहज नुहे बड़ कठिन सिले प्रभु सिले भगवान भगवान को प्राप्त करा एत सहज नुहे तुम्हें ए जिद करवा छाड़ी दियो। ध्रुव कहले ना मुझे संकल्प नहीं ची अवश्य ही भगवान नारायण को दर्शन करी तो नारद मुनि ध्रुवंकर संकल्प को परीक्षा कले जानीगले ये हेले दृढ़ संकल्प ये केवे हेले तार संकल्प विच्युत हव ना से नाम ध्रुव से नारद मुनि कृपा करी तांकु द्वादश अक्षर विशिष्ट वासुदेव मंत्र प्रदान कले शीतला सत्ययुग से समय भगवान वासुदेव मंत्र ही भगवत प्राप्तिर सिद्धिर एकमात्र उपाय थिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्र प्रदान कले नारद मुनि एवं भगवान नारायण को किमिति ध्यान करिया को हे भगवान नारायण कर सब प्रकार तांकर मुख वर्णन नहीं तांकर पाद वर्णना किपरि से चतुर्भुज किपरि शंख चक्र गदा पद्म धारी शंख द्वारा किभली से मंगल वार्ता को जगत रे प्रतिष्ठा करती पद्म द्वारा निज हृदय भक्तवात्सल्य प्रेम को भक्तों को जनांती बा प्रेम रे संदेश भक्तों को दियंती चक्र द्वारा दुष्ट मानंकु दलन करती असुर मानंकर संहार करती एवं गदा द्वारा पाषंड मानंकु दंड विधान करती। एभली भावरे बहुत सुंदर भावरे नारद मुनि ध्रुव को भगवान के विषय जनेले एवं भगवान को यह ध्यान करी तांकर मंत्र को जप करियार विधि बतेले एवं स्थान निर्देश कले कारण जदि आम भगवान को प्राप्त करिया को चाहूँ आम बड़ बड़ सहर रे रहिबा सब प्रकार
मेटेरियल फैसिलिटी रहिबा सब प्रकार भौतिक जड़ सुविधा रहिबा एवं भगवान को आम प्राप्त करिबा एते सहज नुहे। भगवान को प्राप्त करिया पहले भक्ति साधन करिया कोले स्थानर बहुत बड़ महत्व रही स्थान काल पात्र। नारद मुनि ध्रुव को पठेले जाओ मधुबन को जे कि 84 क्रोश ब्रजमंडल भगवान कर जो कि द्वादश वन रही वृंदावन मधुबन कुमुद वन ताल वन काम्य वन आदि द्वादश वन रही सब जो द्वादश कानन रही द्वादश वन रही भगवान कर लीला होता भगवान तांकर लीला द्वारा ए सब वन को जो द्वादश वन को धन्य करसबू स्थान एत पवित्र एत शक्तिशाली जे निजर अभीष्ट सिद्धिपाई अनेक सहायता करते से नारद मुनि पठेले ध्रुव को मधुबन को जाओ मधुबन को जाई जमुना नदी तटरे ये जो मधुबन अच्छी से तुम साधना आरंभ कर। ध्रुव जाए कठोर साधन रे मग्न हो गले मधुबन रे एवं सेठी जिमिती नारद मुनि तांकर गुरु निर्देश देले से भली से जमुना नदी रे त्रिसंध्या स्नान करी जमुनार जल बणुर संग्रहित पुष्प माल्य फलमूल द्वारा भगवान वासुदेव आराधना रे मग्न हेले एवं ए वासुदेव मंत्र को नित्य निष्ठापूर्वक भाव जप कले। जदि हम भगवान को प्राप्त करिया को चाहूँ गुरु प्रदत्त मंत्र द्वारा आम भगवान कर आराधना करवा उचित एवं ए मंत्र रे ए भली शक्ति रही दूसरे गुरु मंत्र दिंती से मंत्र जपर विधि दिंती से तिरे मंत्र देवता इष्ट देव मंत्र सहित आमर संबंध भगवान सहित ये सब किसी को निर्देश दिंती मंत्र अर्थ चिंतन ये सब किसी को बतांती। ध्रुव से भली विधि रे भगवान को ध्यान करी त्रिसंध्या स्नान करी निज तपस्या आरंभ कले ए मंत्र जप को आरंभ कले। आगामी कथा आमे पुणी श्रवण करिबा किमिति ध्रुव निजर कठोर साधना आरंभ कले किमिति तांकर भक्ति जीवन आरंभ कले एवं किमिति से भगवान नारायण को प्राप्त कले। हरे कृष्ण।